गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओल्ड टाइम स्टडी। बच्चों आज हम चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स मैथ्स का एनसीईआरटी के बुक से पढ़ने जा रहे हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। ईंटों का पैटर्न किसके लिए? जागृति स्कूल के लिए। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। ये सच्ची कहानी है कहाँ की? जागृति स्कूल की, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीइंग मेड, देयर वाज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। जब वह बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो उन्होंने सोचा, उन्होंने प्लान किया कि हम जो स्कूल के जो फ्लोर पे है और वॉल्स पे, दीवारों पे, हम अलग अलग ब्रिक पैटर्न बनाएंगे। जमाल, कालू एंड पियार वर द मसून फॉर द ब्रिक वर्क। ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिस्त्री है, ओके बच्चों, जो कि ईंटों की हेल्प से दीवारों पे और फ्लोर्स पे डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग के लिए उन्हें नए नए आइडियाज़ चाहिए थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। तो उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलके वो मुर्शिद कुली खान टॉम में गए। ये बच्चों मुर्शिद कुली खान टॉम है, यहाँ पे गए अपने दूसरे दोस्तों के साथ। ओके बच्चों, दिस बिल्डिंग हैज़ ए बिग फ्लोर अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न। जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें 2000 से ज़्यादा ईंटों का पैटर्न, ब्रिक पैटर्न बनाए हुए फ्लोर्स पे। ओके बच्चों, देयर वर मेड बाय मैसूंस लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर अगो। ये 300 साल से ज़्यादा पुराने हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये पैटर्न जो है 1 and 2, ये 300 साल से भी ज़्यादा पुराने पैटर्न है बच्चों। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन द 5 फ्लोर पैटर्न। बच्चों देखिए, ये जो 5 फ्लोर पैटर्न है, कैसे ब्रिकों को अरेंज किया हुआ है। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, ओके बच्चों, बाकी पैटर्न पेज नंबर 2 पे है। दिस इज पेज नंबर 2। देखिए ब्रिकों के पैटर्न, देखिए 2 फर्स्ट पेज पे थे, दिस इज 3rd and 4th and 5th। ओके, फिर अब क्या पूछ रहा है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपको इनमें से कौन सा फ्लोर पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है, बताइए बच्चों। अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, जो आपने 5 पैटर्न देखे उनमें से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पैटर्न कौन सा लग रहा है, बताइए। बच्चों मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा पैटर्न लग रहा है 3rd, दिस वन। ओके, तो हम क्या आंसर देंगे, फिगर नंबर 3 आई लाइक द मोस्ट। बच्चों हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है, जिसको जो पैटर्न अच्छा लगे वो बताइएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर। क्या आपने ऐसे पैटर्न कहीं और देखे हैं, बताइएगा बच्चों। जिस बच्चों ने जहाँ ये पैटर्न देखे हो वो बताइएगा। इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, यस। बच्चों आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यस आई सी दिस पैटर्न्स इन माई विलेज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, द मासून केम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड ओ इन दोज डेज दे हैव मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न। इन दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिक के आकर्षित पैटर्न बनाए हैं। वी हैड फॉरगॉटन दिस, लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कूल। जो इन्होंने पैटर्न बनाए हैं, अब ये उन पैटर्न को स्कूल्स के फ्लोर पे बनाएंगे बच्चों। ईच मैसून मेड ए डिफरेंट पैटर्न। हर एक कारीगर ने डिफरेंट अलग अलग पैटर्न बनाया है, कहाँ पे? स्कूल के फ्लोर पे, जो कि आपको नीचे पिक्चर में दिख भी रहा है। देखिए दिस पैटर्न, देखो हर एक पैटर्न बच्चों अलग अलग है, दिख रहा है ना आपको, गुड। हर एक कारीगर ने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाए, इन पैटर्न को देख के बच्चे खुश है और यहाँ पर खेलते हैं बच्चे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं पेज नंबर 3 की ओर।
दिस इज़ पेज नंबर 3। इसमें हमें ए से लेके के तक 11 डिफरेंट फिगर दी हुई है, ब्रिक पैटर्न दी हुए। ओके बच्चों, अब हमें क्या पूछ रहा है, देखिए कितने सुंदर सुंदर ब्रिक पैटर्न दिए हुए हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल। अब बच्चों आपको सर्कल पता है कैसा होता है, चलो अब मैं आपको थोड़ा फिगर्स के बारे में पढ़ा देता हूँ। बच्चों दिस इज ट्राइंगल, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 1, 2 एंड 3। बच्चों ट्राइंगल जो होता है ये आपके समोसे के जैसा लगता है। देखो आपने कभी समोसा खाया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही शेप का होता है ना। दिस इज बच्चों ये क्या है, ट्राइंगल। ओके चलिए हम नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। दिस इज रेक्टेंगल, बच्चों ये क्या है, रेक्टेंगल। इसकी 4 साइड्स होती हैं। ओके बच्चों आपने टीवी देखा होगा ना, टीवी आपका कैसी शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है। ओके बच्चों समझ में आ गया आपको, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज सर्कल। सर्कल आपने कहीं देखा है, याद आया, यस। आप घर पे खाना खाते हो तो जो मम्मी आपकी रोटियां बना के देती है वो कैसी फॉर्म में होती है, सर्कल। ओके बच्चों यस, नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर इसकी बच्चों कितनी साइडें होती है, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 साइड्स होती है स्क्वायर की बच्चों। ओके और इसमें हर एक साइड बराबर होती है एक दूसरे के, इक्वल्स होती है। ओके बच्चों अब हम दोबारा से अपने चैप्टर की ओर चलते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। बच्चों विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, अभी मैंने बताया था ना बच्चों सर्कल, आपको सर्कल कैसा होता है, जस्ट लाइक दिख रहा है ना आपको सर्कल स्क्रीन पे, सर्कल ऐसा होता है। ओके बच्चों अब आपको कहीं सर्कल दिख रहा है बताइएगा, क्या फिगर ए में सर्कल दिख रहा है, नो, बी में नहीं, सी में कहीं सर्कल, नो, डी में सर्कल नहीं, ई में कहीं सर्कल नहीं, गुड, एफ में कहीं सर्कल नज़र आ रहा है, नहीं, गुड बच्चों गुड। अब देखिएगा जी में आपको सर्कल नज़र आ रहा है, नहीं, एच में नहीं, आई में सर्कल नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, ओ यस जे में आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, देखिए बच्चों यस यहाँ सर्कल फॉर्म हो रहा है। ओके बच्चों के में सर्कल फॉर्म हो रहा है, नहीं, हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, पैटर्न जे मेड इन ए सर्कल। ओके बच्चों ये इसका आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, मिरर हाफ्स ड्रॉ ए लाइन। बच्चों अब इसको देखो हम कैसे करते हैं, मिरर हाफ क्या होता है, मतलब अगर हम इस पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में मिरर रख देते हैं, क्या दोनों तरफ जो इमेज है 1 एंड 2 क्या दोनों सेम है, यस, सो ए कैन फॉर्म मिरर इमेज। ऐसे बी के सेंटर में मिरर रखिए और फिर चेक कीजिए दोनों साइड इमेज सेम फॉर्म हो रही है, यस, बी ऑल्सो फॉर्म मिरर इमेज। ऐसे ही सी के सेंटर में रखिए, क्या सी के सेंटर में मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, बताइए बच्चों, सी के सेंटर में बच्चों मिरर इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। अब डी की ओर चलते हैं, क्या डी के सेंटर में मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, दोनों साइड सेम फिगर आ रही है, नो दिस इज इनकरेक्ट। ऐसे ही ई में देखिए, क्या ई के सेंटर मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, नो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट बच्चों। ऐसे ही एफ की ओर चलिए, एफ के बिल्कुल सेंटर में मिरर प्लेस कीजिए और फिर आप चेक कीजिए दोनों साइड मिरर इमेज सेम है, क्या सेम नज़र आ रही है आपको, नो, गुड बच्चों, ऐसे ही सीख जाओगे पढ़ना। क्या जी के सेंटर में मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, सेंटर में मिरर प्लेस कीजिए, नहीं हो रही, एच, एच के सेंटर में बिल्कुल सेंटर में मिरर इमेज मिरर रखिएगा
और फिर चेक कीजिए दोनों साइड पे सेम इमेज फॉर्म हो रही है। राइट, ऐसे ही जे में चेक करना है। सेंटर में मिरर प्लेस कीजिए बच्चों, और फिर देखिए दोनों साइड पे सेम इमेज फॉर्म हो रही है। गुड, यस। जे में देखिएगा, जे में क्या मिरर इमेज फॉर्म हो रही है बताइएगा बच्चों। सेंटर में मिरर प्लेस कीजिए और दोनों साइड की जो इमेज है 1 एंड 2, क्या ये सेम नज़र आ रही है आपको? देखिए पहले मिरर प्लेस करते हो। ओके बच्चों, ऐसे। यस, दिस फॉर्म मिरर इमेज। क्या के मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है? नो। सेंटर में मिरर रखिए और फिर चेक कीजिएगा। नो, दोनों में डिफरेंट पैटर्न शो हो रहा है मिरर का। ओके, ब्रिक्स का, सॉरी बच्चों। मिरर इमेज में ये होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका मिरर है, अगर मिरर में ये इमेज हमें यहाँ पे ऐसे दिख रही है, एरो मिरर में ऐसा दिख रहा है, और रियल में वो एरो ऐसा होगा बच्चों। ओके, दिस इज द रियल इमेज। अगर हम मिरर रखते हैं तो मिरर में इसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट दिखेगा मिरर में। ओके बच्चों, आप मिरर लेके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके साथ हो, आपके मम्मी पापा हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नाउ यू ड्रॉ सम फ्लोर पैटर्न। बच्चों आप घर पे ब्रिक की हेल्प से फ्लोर पैटर्न बनाना। ओके, कैसे बनाओगे? एक ब्रिक को ऐसे रखे, दूसरों इसके साइड में, फिर ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में एक ब्रिक पैटर्न, एक फ्लोर पैटर्न बन जाएगा। आपके मम्मी या पापा की हेल्प से ये काम करना है। ओके, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 4। हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक, देर आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। एक ही ब्रिक की हमें दो फोटो दिख रही है बच्चों। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दोनों फोटो दिख रहे हैं आपको, दोनों में क्या कह रहा है? इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। इस फोटो में बच्चों इनको ओनली वन फेस दिख रहा है ब्रिक का, दिख रहा है ना? ओनली वन, और कहीं साइड दिख रही है? नहीं दिख रही। और अब क्या कह रहा है? दूसरी फोटो में इनको क्या नज़र आ रहा है? दूसरी फोटो में इन्हें ब्रिक के 3 फेसेस नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक फेस ये हो गया, सेकंड फेस टॉप वाला हो गया, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। कितने फेस नज़र आ रहे हैं इसमें? 3 फेस। अब आप आगे क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव, मतलब ब्रिक के अंदर कितने फेसेस होते हैं? अपने बच्चों पता है ब्रिक के अंदर कितने फेस होते हैं? ब्रिक के अंदर 6 फेस होते हैं। ओके बच्चों, आप काउंट भी कर सकते हो। आप जब घर पर लूडो खेलते हैं, जो उसके अंदर डाइस होता है, डाइस के फेस काउंट करना। डाइस पे कितने तक काउंटिंग होती है? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस फ्रंट इज 6। टोटल 6 फेस होते हैं। ओके बच्चों, डाइस से चेक करना, आप काउंट करना डाइस पे कितने फेस है, फिर बताना मुझे। इज एनी फेस एज ए स्क्वायर, क्या ब्रिक का कोई भी फेस स्क्वायर है? नो। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नो। इसका आंसर क्या होगा? 6। ओके, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। बच्चों ये आपको दिख रहा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। ठीक है बच्चों, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक, इनमें से, इन फिगर्स में से ब्रिक का फेसेस कौन सा है? क्या ब्रिक का फेस है? नो। क्या ये है? नहीं। यस, ये ब्रिक का फेस है। क्या ब्रिक का फेस है? नो। क्या ये है? नो। ये ट्राइंगल है, ये भी नहीं है। यस, ये ब्रिक का फेस है। तो इनमें से कितने फेस है ब्रिक के? 1 एंड 2, ओनली 2 फेस है ब्रिक के यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक, ब्रिक इनमें से कौन सी है जो ब्रिक की ड्राइंग है? ये ब्रिक है? नो। दिस इज सिलेंडर, ये ब्रिक नहीं है। ये ब्रिक, ये भी नहीं है।
क्या ब्रिक ऐसी होती है? ऐसे भी नहीं होती, ब्रिक ऐसी होती है? नो, ये आपके डाइस की तरह लग रहा है, क्यूब, जो आप लूडो में खेलते हो ना डाइस, ये वैसा लग रहा है। ओके बच्चों, यहाँ पे ब्रिक की फेस ओनली वन है, यही है ओनली ब्रिक का फेस, और इनमें से कोई भी ब्रिक का फेस नहीं है। तो कौन सा है ब्रिक का फेस? यस, दिस इज द ब्रिक। ओके बच्चों, मेक अ ड्रॉइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो इट्स थ्री फेस। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें इसके थ्री फेस दिखे। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखिए बच्चों, वही ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें हमको कितने फेस नज़र आ रहे हैं? थ्री फेसेस, वन टू एंड थ्री आ रहे हैं ना? यस। ओके, ऐसे ड्रॉ करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू मेक ए ड्रॉइंग ऑफ ए ब्रिक विच शो फोर ऑफ इट्स फेसेस? क्या आप ऐसी ड्रॉइंग बना सकते हैं किसकी? ब्रिक। इसका आंसर में क्या लिखोगे आप बच्चों? लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, गुड। पेज नंबर 4। ए वॉल डैट विल नॉट फॉल, ऐसी दीवार जो नहीं गिरेगी। वन डे मुनिया एंड जना वर नहीं आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ईच मेक अ डिफरेंट वॉल। मुनिया और जनाब ने क्या बनाए हैं? वॉल बनाए हैं, दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट वॉल बनाए हैं। अब जनाब क्या कह रहा है? जनाब कह रहा है इसकी वॉल जो है वो इजीली नहीं गिरेगी, और जो मुनिया के वॉल है वो इजीली गिर जाएगी। इन्होंने, जनाब ने बहुत ही अच्छी वॉल को डिज़ाइन किया है। मुनिया ने एक के ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है, जनाब ने एक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखी है, पर ऐसे पैटर्न से रखी है जब तक ऊपर वाली ईंट नहीं हटेगी तो नीचे वाली ईंट नहीं गिर सकती, पर इनके ऊपर वाली ईंट इजीली गिर सकती है। बच्चों, तो किसकी वॉल जो ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है? जनाब की। जनाब की जो वॉल है, जो वॉल है जनाब की, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है। ओके बच्चों, गुड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर? इनका आंसर होगा जनाब वॉल विल बी स्ट्रोंगर। ओके बच्चों, पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। द वॉल मेड बाय जनाब विल बी स्ट्रोंगर देन मुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लुक फॉर वॉल्स वेयर यू सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। अपने आसपास देखिए, आपको दीवारों पे देखिए, कहीं आपको डिफरेंट पैटर्न दिख रहे हैं? और कमेंट करके बताइएगा। डिफरेंट वॉल पैटर्न, हेयर आर फोटो ऑफ थ्री डिफरेंट ब्रिक, थ्री काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। कैन यू सी द डिफरेंट इन द वेज द ब्रिक आर प्लेस्ड? अभी क्या बोल रहा है कि आपको तीन तरह से ब्रिक अरेंज की हुई दिख रही है, वन टू और थ्री, तीनों को अलग अलग वे से अरेंज किया हुआ है। किसी को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, किसी को वर्टिकली। बच्चों, ये जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस की हुई है, और इसे इसे हमने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है। ओके, हॉरिजॉन्टली होता है लेटा हुआ, और वर्टिकली होता है खड़ा हुआ, मतलब दिस वे, दिस इज़ वर्टिकली, एंड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली होता है लेटा हुआ, लेटा हुआ वर्टिकली खड़ा हुआ। ओके, हमसे क्या बोल रहा है? नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेंट करेक्ट ड्राइंग बिलो। करेक्ट ड्राइंग बिलो, अब मैच कीजिएगा बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ओके, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।